अयोध्या में जोरों पर भव्य दीपोत्सव की तैयारी। आज होगा दीपोत्सव। 24 लाख दीयों से रोशन होगी राम नगरी। सजेंगे 51 घाट। सीएम योगी करेंगे राम का रास तिलक। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद प्रदूषण में आई कमी। हवा भी गुणवत्ता अभी भी खराब, श्रेणी में दर्ज। कोहरे के साथ ठंड ने दस्तक। बारिश की वजह से एक्यूआई लेवल में दिखा सुधार। बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने 6 घंटे की दी मोहलत। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की मिली अनुमति। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की अर्जी पर की सुनवाई। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह आज। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शोभा ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा निकालने की अपील करी। भारी पुलिस जाप्ता रहा तैनात। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के हुए पुख्ता इंतजाम। जांच के लिए डॉग स्क्वाड को किया गया तैनात। भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात। कैमरे और सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब चित्तौड़गढ़ में भी विभिन्न दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार तेज हो गया है और गांव-गांव जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के साथ दूसरे प्रत्याशियों की खामियों को उजागर करने का काम अब शुरू हो गया है। इसी के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करके विजय बनाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही त्रिकोणीय संघर्ष को देखते हुए अन्य प्रत्याशियों की कमियों को उजागर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी ने कहा कि इन विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना तय है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र उनके लिए नया नहीं है और वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से रोजगार, बिजली और गुंडागर्दी है, जिसके ऊपर होमवर्क करना इनका समाधान करवाया जाएगा। मुद्दे यहाँ पे मुख्य रूप से रोजगार और बिजली और गुंडा लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन ही सामने दिख रहे हैं। जैसा संकेत लग रहा है, पब्लिक का जो परसेप्शन लग रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर सरकार यहाँ पे आपका उसी स्टाइल से काम करके और गुंडागिर्दी का तो आमूल चूल परिवर्तन करके ख़त्म करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे स्टेट में ज़्यादातर काम नहीं करते, लेकिन आज देश को स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो के हिसाब से भी देखें तो देश को बचाने वाला चाहिए। जो अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाए और नेहरू जी जैसे कोई प्रधानमंत्री हों तो देश को बचा लेंगे क्या? अगली पीढ़ी के लिए हमको खुद को सैक्रिफाइस करके भी कुछ करना हो तब भी वो करने का निर्णय लेने का मादा नरेंद्र मोदी में है। राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव होने को हैं। सभी प्रत्याशी अपने बाहुबल को दिखाते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इनको दरकार है जीत की, जिसके लिए हर जतन हर प्रयत्न करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अब तक क्या जीत का मंत्र सुना होगा, क्या जीत का यंत्र सुना है? बता दें, राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में जीत का यंत्र इन दिनों बनाया जा रहा है। यह यंत्र बीकानेर के गणपत कसेरा बना रहे हैं। इनके पास इन दिनों प्रत्याशी प्रतिनिधियों के जो भी पंडित हैं वे बराबर संपर्क कर रहे हैं, इनसे यंत्र बनवा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीकानेर से हमारे संवाददाता के सिंह ने विशेषज्ञ गणपत कसेरा से की खास बातचीत। जीत का यंत्र, जी हाँ, बिल्कुल। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, हम लोग इस वक्त हैं मरुनगरी बीकानेर में। एक हुनरमंद व्यक्ति गणपत राम के पास, वो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लगभग 40 वर्षों से वे यंत्र बनाने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन हालांकि वे इन दिनों जो जीत का यंत्र जरूर बना रहे हैं, और जीत भी वे विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में जारी है और ये प्रत्याशी हैं, वे चाहते हैं कि उनको जीत हासिल हो। अधिकांश लोग हैं प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं, वे बराबर यहाँ पर आके गणपत जी के पास आके यंत्र बनाते हैं। बात करते हैं, हमारे साथ गणपत जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे ये जीत का यंत्र, ये किस तरह का यंत्र होता है?
जीत का यंत्र जो प्रत्याशी होता है उसके गृह के हिसाब से जो यंत्र बनता है, पंडित जी आदेश करते हैं, हम उस हिसाब से उसका निर्माण कर देते हैं और फिर उसका अनुष्ठान होता है। जो भी प्रक्रिया पूजा पद्धति होती है वो पंडित जी करते हैं। लेकिन जी एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि जीत का यंत्र, आपको ये बात कैसे पता चली कि प्रत्याशी वास्तव में चुनाव के प्रत्याशी, चूंकि चुनाव प्रत्याशी हैं वे शायद कहीं ना कहीं अपना पहचान छुपाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आपके मित्र पंडित लोग बता देते हैं। पंडित जी आते हैं, वो नाम बताते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है कि इसको उजागर करना है। वो अपने अनुष्ठान अकल एकांत में जाके अपना अनुष्ठान करते हैं। मंदिर है, बगीची है या जंगल है, जो भी उनका स्थान है, वहाँ जनप्रतिनिधि प्रयोग जाते नहीं है। क्या कीमत में बन जाता है जीत का यंत्र? जीत का यंत्र तो साहब उसकी लागत तो बाद में आती है। हमारा तो हमारा आशय तो बनता है, वो कहते हैं वो बना देते हैं, उसके बाद में पंडित कितने पंडित बैठते हैं, कितनी प्रक्रिया होती है। फिलहाल आप किस लागत में बना देते हैं? मेरे तो लागत अभी 2,2100 रुपये तक होता है, तो वो मेरे तो मेहनत का पैसा मिल जाता है, उसके बाद में उसका ओरिजिनल काम तो वो ही करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दीपावली की पूजा चूंकि धनतेरस के बाद से शुरू हो जाती है, उन पूजाओं में विशेष रूप से 5 दिवसीय जो पर्व मनाया जाता है दीपोत्सव, उस दौरान भी यंत्रों का विशेष उपयोग होता है। मरुनगरी बीकानेर में इकलौते व्यक्ति हैं गणपत जी जो कि ये यंत्र बनाते हैं। बात करेंगे हम किस तरह का दीपावली यंत्र होता है। दीपावली में विशेष तौर से श्री यंत्र और कुबेर यंत्र, ये दो यंत्र विशेष तौर से बनाए जाते हैं, और कोई कच्छप यंत्र भी बनाता है कछुए के आकार का, वो भी पूरा कछुए के आकार का ही बनाते हैं। और फिर उसके कॉपर और सिल्वर, चांदी और तांबा। देखिए बताना चाहेंगे आपको कि ये देखिए ये यंत्र हैं गणपत जी के द्वारा बनाए हुए, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग तरह के यंत्र हैं, सीधी यंत्र है, ये कौन सा यंत्र है, ये मंगल यंत्र है, और देखिए ये श्री यंत्र है। बराबर वे यंत्र हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो गणपत जी ने खासतौर पर दीपावली के लिए बनाए हैं, तो निश्चित रूप से बेहद ही शानदार और एक अनूठा प्रयास कहा जा सकता है। जहां गणपत जी जीत का यंत्र बनाते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये दीपावली के भी स्पेशल यंत्र बनाते हैं। अगर आपको लेना हो तो जरूर पहुंचे बीकानेर और जरूर संपर्क करें गणपत जी से। केके सिंह, नवतेज टीवी, बीकानेर। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में खातीपुरा तिराहे से रोड शो की शुरुआत की, साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क भी किया। इससे पहले दिया कुमारी ने वीर तेजाजी महाराज के आगे शीश नवाया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। खातीपुरा तिराहे से निकाला गया रोड शो ललिता सर्किल और बाजार के रास्ते करनी चौराहे पर समाप्त हुआ। सुबह 10:30 बजे दिया कुमारी ने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में अपना जनसंपर्क शुरू किया। इस रोड शो में जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले भी भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी का क्षेत्र के कई वार्डों में सघन जनसंपर्क हो चुका है। लगातार जनसंपर्क के बाद अब समाज के सभी वर्गों के लोग खुलकर दिया कुमारी के समर्थन में आने लगे हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे जनसंपर्क के लिए विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रवाना हुए, जहां पूनिया अपने आमेर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक आमजन, मतदाता और सभी समाज के प्रमुख लोगों से संवाद कर भाजपा की प्रचंड जीत के लिए कर रहे जनसंपर्क, साथ ही मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, कोरोना काल में भाजपा द्वारा किए गए सेवा कार्यों, आमेर मॉडल और भाजपा संगठन की मजबूती एवं सामाजिक सरोकारों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। बता दें कि पिछले 3 सालों से अपने संकल्प को निभा रहे सतीश पूनिया राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर ही शाम को भोजन करेंगे, फूल और माला भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर ही पहनेंगे। जी हाँ, पिछले 3 सालों से सतीश पूनिया शाम का भोजन नहीं कर रहे हैं और ना ही फूल माला पहन रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी मैदान में डटे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज होने लगा है। प्रत्याशी लीग से हटकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं जो आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव निमोद में देखने को मिला, जहाँ पूर्व मंत्री और निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान का दूल्हे की तरह स्वागत किया गया।
साथ ही उन्हें दूल्हे की तरह घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में बिंदोरी निकाली गई। दरअसल निबोध गांव यूनुस खान का ससुराल है, साथ ही लोगों ने यूनुस खान का माला पहनाकर उन्हें शगुन भी दिया। इस दौरान डीजे की धुन पर युवाओं को थिरकते हुए भी देखा गया। मेरे पास पावर है, तुम्हारे पास पार्टी भी नहीं, पावर भी नहीं, सरकार भी नहीं, तुम एमएलए भी नहीं। उसमें वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, तेरे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास माँ है। वो मुझे कहते हैं कि तेरे पास क्या, पार्टी छूट गई, सरकार गई, और मतलब जो है तुम एमएलए नहीं हो, तुम्हारे पास क्या है। मैं उनको जवाब देता हूं, मेरे पास ये जनता है, मेरे पास ये जनता है। ये चुनाव जनता का चुनाव है, ये जनता चुनाव लड़ी, इसलिए ये चुनाव किसके खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है, डर के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है, अहंकार के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैंने सर अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में एक महिला के बैंक खाते से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का कहना है कि 21 अक्टूबर को वो एटीएम से पैसे निकलवाने गई थी, और जब वह पैसे निकलवा रही थी उस दौरान उसके पास से दो लड़के आए और उन्होंने कहा कि इसमें पैसे नहीं निकलते हैं, इसमें चेक होते हैं, दूसरे एटीएम में पैसे निकलते हैं। इस बात का झांसा देकर उन्होंने पीड़ित महिला का एटीएम कार्ड बदल लिया और उसके खाते से 1,94,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित महिला की इस बात का पता चला तब वह 10 नवंबर को पैसे निकलवाने गई और उसके खाते में सिर्फ 28 रुपए मिले, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। मैं किस तारीख को गई थी, शनिवार को, ये पीएनबी बैंक में, तो मैंने 4,000 निकाले। मेरे पीछे दो जने थे, मतलब पहले एक आया फिर दूसरा आया, और एक जो मेरे साथ में लेके गई थी, मतलब पड़ोस में से किसी को, कि मेरे भी सहारे के लिए, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ ली, तबीयत खराब थी मेरी, तो मैंने 4,000 निकाले, दो दो करके निकले, मैंने 2,000 करके 4,000 निकाले। उसके बाद जो वहाँ पे खड़ा था आदमी, उसने कहा कि बहन जी इसमें तो जमा होते हैं, आप इसमें कहाँ कर रही हो। तो मेरी तबीयत तो खराब हो रही थी, तो उसने जो मेरा एटीएम था वो तो उसने रख लिया और अपना दे दिया, मतलब मैं लेके चल दी, मुझे पता ही नहीं था, मैं रख करके चल दी, अपने घर आ गई। फिर मुझे 9 तारीख को मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने पड़ोस में से किसी बच्चे को भेजा, बेटा मेरे पैसे ला दे निकाल करके, और मेरे को जो है ज़रूरत है। वो बच्चा गया, बोले आंटी ये तो एटीएम लग ही नहीं रहा आपका, आपका तो आईसीआई का है, तो आपने ये कैसे दे दिया। तो बेटा मैंने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने एटीएम देखा नहीं था, तो इसने ला के दे दिया। मैं पीएनबी इसमें आईसीआई में गई, मैं जाकर के मैंने एंट्री कराई, करा करके उसमें सिर्फ 28। अलवर जिले के अकबरपुरा थाने इलाके में प्रॉपर्टी के मामले को लेकर दो पक्षों में झगड़ा सामने आया है। इस दौरान दो लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित ओमकार ने बताया कि उन्हीं के परिवार के दो लड़के रमेश और छुट्टन ने उनके घर पर 1 बीघा जमीन को लेकर हमला कर दिया। पीड़ित का यह कहना है कि उन्होंने रमेश को 10 महीने पहले 50,000 रुपये दिए थे, वही पैसे पीड़ित उनसे मांग रहा था, उन्होंने वे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन पीड़ित की 1 बीघा जमीन पर खेती करने आ गए, जिसके बाद उनको मना कर दिया गया, तो उन्होंने लाठी से उन पर हमला कर दिया, जिसमें ओमकार और उसका बेटा शिवलाल दोनों घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का कुनबा लगातार नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार की नीतियों और झूठे वादों से परेशान होकर कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, चाकसू के पूर्व विधायक अशोक तंवर और कोटा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज मेहता, टोंक के सोड़ा सरपंच सुश्री छवि राजावत अपने समर्थकों के साथ भाजपा परिवार में शामिल हुई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और चुनाव प्रबंधन
समिति संयोजक नारायण पंचारिया ने सभी को पार्टी का दुपट्टा ओढ़ाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि नारी सुरक्षा करने में कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से नाकाम रही है। दौसा की घटना ने नारी मर्यादा को तार तार कर दिया है। जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो सुरक्षा की उम्मीद भी किससे की जाए। आज कांग्रेस राज में प्रतिदिन दुष्कर्म की घिनौनी वारदातें होती नजर आ रही हैं। किसानों और युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मंच पर जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज उपस्थित रहे। पूरे राजस्थान को शर्मसार किया है। एक जो गौरवशाली इतिहास राजस्थान का है उसको तार तार करने का काम पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में हुआ है। जहां महिलाएं ना तो खेत खलियान पर सुरक्षित है, ना स्कूल में, ना महाविद्यालय में, ना सड़क पे, ना घर पे, और कल की दोसा की घटना ने तो रक्षक की भक्षक बन बैठे। खाजूवाला में जो घटना हुई उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, और कहीं न कहीं दुराचारियों और अपराधियों के साथ ये 5 वर्षों तक ये सरकार खड़ी दिखाई दी। इसी कारण जहां दुष्कर्म की घटना इनको 56% फर्जी दिखती है, जहां ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कर पाए, जंगल राज से बदतर हालात राजस्थान के रहे। अब राजस्थान की 35,000 बेटियां जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, 2,00,000 बेटियां जिनके साथ दुराचार हुआ, रोज कोई 18 से 20 घटनाएं दुष्कर्मी की होती है, तो अब नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान में एमबीए डिग्री वाली भारत की पहली सरपंच छवि राजावत प्रदेश भाजपा के मीडिया सेंटर में बीजेपी में शामिल हो गई। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने छवि राजावत को सदस्यता ग्रहण करवाई। पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में अन्य नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। छवि राजावत टोंक जिले की मालपुरा तहसील के सोडा गाँव से हैं और उसी के विकास के लिए इन्होंने काम किया है, जिसके लिए वे जानी और जाती हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं छवि राजावत से नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर की खास बातचीत। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें पास आ रही हैं, वैसे वैसे प्रदेश भाजपा कार्यालय में सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले करीब 4-5 दिन से प्रदेश भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, और अभी तक हमने देखा था कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन आज कुछ सामाजिक संगठनों ने, सरपंचों ने भी आज भाजपा का दामन थामा है। इसी कड़ी में हमारे साथ में एमबीए वाली सरपंच, कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट कर चुकी, घुड़सवारी सिखाने वाली और एक ब्रिगेडियर की पोती छवि राजावत जी हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। आज आपने बीजेपी ज्वाइन करी है, और हम कह सकते हैं कि राजनीति की जो पहली या दूसरी सीढ़ी हम मान लें कि ग्राम पंचायत, वहाँ आप सक्सेसफुली आप 10 साल से काम कर रही हैं, और अपने सोडा गांव को आपने, हम कह सकते हैं कि किसी भी सरकार की जो स्कीम्स होती हैं वो बिल्कुल बुरी नहीं होती, अगर उन स्कीम्स को हर एक जने तक हम पहुँचा दें तो हर एक व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है, और ये आपने करके दिखाया। आपने सरकार की हर स्कीम अपने गांव में आप लेकर आई हैं, और छोटे से पोखर को आपने एक तालाब बना दिया जहां बैठ के सब लोग बात करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, खेतों में उसका पानी जाता है, और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करी हैं। अब आप बीजेपी में आई हैं, अब आगे क्या आपके करने के विचार हैं? देखिए, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव 10 साल का एक सरपंच के तौर पे मैंने काम किया, उस अनुभव को मैं एक इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आशा करती हूँ कि सही इनपुट्स के द्वारा और भी एरिया में इसका इम्पैक्ट पड़ सके। सिर्फ अपने राज्य में नहीं, आशा करती हूँ अपने देश भर में वो जो बदलाव आने की ज़रूरत है, और साथ में आशा करती हूँ कि और लोग प्रेरित हों, आप मेरे जैसे लोग, महिलाएँ हों, युवा हों, उनको भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि मैंने जो भी कार्य किया मेरे गांव में सरपंच के तौर पे, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कीम्स ही नहीं, अगर मेरे पास वो प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट नहीं आ पाता तो शायद ही मैं इतना काम कर पाती। तो ज़रूरी है कि एक जो कोलैबोरेशन, एक टीम वर्क जिसके द्वारा मैंने काम किया, जिसमें सिर्फ बुज़ुर्ग ही नहीं परंतु मेरे गाँव की युवा पीढ़ी भी शामिल हुई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी युवा हमारे यहाँ पे आते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स आते थे, जिनके साथ मिलके हमने
हमारे विकास के कार्य किए। तो मेरा ये मानना है कि एक सरपंच के तौर पे अकेले विदाउट रियली अ बिग टीम हम वो सब बदलाव लेके आ सके, लॉ एंड ऑर्डर एक सिक्योरिटी प्रदान कर पाए, तो महसूस होता है कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही बड़ी स्केल पे लोग उसका फ़ायदा, विकास का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो यही इसी सेवा भावना के साथ मैंने ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है ये मैंने ली है और आशा करती हूँ कि मैं वो बदलाव में कहीं ना कहीं वो शामिल हो पाऊँ। एज अ ग्राम सरपंच आप स्विट्ज़रलैंड तक भी गए हैं, आपने G20 में भी पार्टिसिपेट करा है, तो वहाँ से आप ऐसा क्या सीख करा है जिसे आपने अपने गांव में आपने उसको अप्लाई किया और वो सिर्फ आपके ही गांव में किसी और गांव में नहीं है? देखिए ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर पाए हैं, जैसे पानी पे ही जो हमने काम किया, साथ में हमारे स्कूली शिक्षा में अभी उस स्तर पे नहीं आया है लेकिन कहीं ना कहीं हम वो बदलाव लेके आ पाए हैं, जिसमें हमने खासकर जो गर्ल्स स्कूल है उसमें हमें सपोर्ट मिला आर्किटेक्ट्स दिल्ली से, जिन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट अपने इंजीनियर्स को हमारे और आर्किटेक्ट्स को यहाँ हमारे पास भेजा। तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की थी जिसमें आई एम श्योर कि दूसरी भी पंचायत होंगी जिन्होंने काम किया होगा, पर एक चीज़ हमने महसूस की और ये हमारे जो युवा पीढ़ी जो हमारे साथ काम करते थे उनका भी ये इनपुट था कि कहीं ना कहीं जो अब्यूज़ होता है, चाइल्ड अब्यूज़ खासकर, उसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। तो कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट जो है उसको हम सेफ बना सकें, तो हमारे एक जो बालिका स्कूल था तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन था वो डिज़ाइन में हमने बदलाव लेके आए जिससे कि इस प्रकार की कोई भी घटना ना घटे बच्चों के साथ, तो ऐसा हमने वो स्कूल का डिज़ाइन किया। तो अभी भी आप देखेंगे और आप मानेंगे नहीं, ये स्कूल ऐसा था जो बंद होने वाला था क्योंकि रजिस्ट्रेशंस बहुत कम थे, तो हमने लोगों को जागरूक किया, बोला कि आपको बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए, और वो थोड़ा सा जो हमने डिज़ाइन में चेंज किया स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप मानेंगे नहीं कहाँ वो स्कूल बंद होने वाला था लेकिन आज की तारीख में ऑलमोस्ट 100 तक के रजिस्ट्रेशंस उस स्कूल में हो पाए हैं। तो इस प्रकार के हमने चेंजेस किए हैं और जो मैंने लोगों से मिलके ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करके, एक हमने शुरू किया था वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसमें हमने हर घर में, और इसमें भी मेरी युवा पीढ़ी जो हमारे गांव की युवा हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी भागीदारी दी, जिसमें हर घर में जाके हमने उन्हें समझाया कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अपने घर के अंदर ही आप वो अलग अलग आप इसको कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर डिज़ाइन किया था जिसमें गांव के ही बच्चे और महिलाएं जो थी वो मिलके उसको सेग्रीगेटेड वेस्ट को वहां पे लेके आते थे और फिर उसको प्रोसेस करते थे। तो ये भी एक अलग ही चीज़ थी जो शायद हमने ही पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में की। तो इस प्रकार के अलग अलग हमने इंटरवेंशंस किए, साथ में जो निवेश के बारे में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर निवेश के बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग यही सोचते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने जयपुर से ही हम लोगों को लेके गए गांव में और वहाँ पे हमने उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया, बैंक हमने ऑलरेडी खोल रखा था तो सेविंग्स के लिए हमने ऑलरेडी लोगों को जागरूक किया, तो सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में या ऐसी सिंपल चीज़ों के बारे में समझा के आई थिंक कहीं ना कहीं हमने हम वो भी बदलाव लेके आए। महिलाओं को भी हमने जागरूक किया, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी और कॉस्टिंग कैसे करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के स्तर पर हमने उनको जागरूक किया। सो ऐसे हमने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, सिर्फ एक नहीं अनेक की हुई हैं। और अभी हाल ही में क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा किसान पे पड़ता है, किसानों को ये समझ है कि बारिश अभी समय पे नहीं आ रही है तो उसका कष्ट तो उन्हें दिखता है लेकिन ग्लोबल स्तर पे उसका जो इम्पैक्ट है उसके बारे में वो जागरूकता नहीं है। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं और यही कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा हम लोगों से मिले हैं, उन लोगों को हमने इनवाइट किया है। एक मेरे गांव में गर्ल्स कॉलेज था जो बंद हो चुका था, अब उसको मैं रिवाइव कर रही हूँ और उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसानों को, हमारे खासकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि अगर वो साइंस समझ सकें खेती के पीछे जो है तो उसको एक रिस्पेक्टफुल वोकेशन के तौर पे देख सकते हैं और उसमें बहुत
अच्छे तरीके से वो भागीदारी दे सकते हैं। तो अभी उसी पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व मंत्री, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी अकाल होता रहता है, तो वो अभी हमें विज़िट करने आई थी दूसरी बार, तो उनके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि उस स्तर पे हम काम कर सकें, जिससे पानी की समस्या ही नहीं, जो खासकर महिलाओं को जूझना पड़ता है सबसे ज़्यादा, उसके साथ साथ किसानों की भी जो समस्याएं हैं उसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं, हम फिलहाल उस पे काम कर रहे हैं। मैम, आपके दादाजी ब्रिगेडियर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपके गांव में सबसे पहला जो परिवर्तन लेकर आए थे वो आपके दादाजी लेकर आए, उसके बाद आप एक परिवर्तन लेकर आए, अब आप बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी का ये नारा है कि राजस्थान में भी परिवर्तन आएगा। विधानसभा के सारे टिकट लगभग ऑलमोस्ट सारे बढ़ चुके हैं, आगे आप किस प्रकार से और क्या परिवर्तन जो आप अपने गांव में लेकर आए हैं वो ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि प्रदेश के हर एक गांव तक उस परिवर्तन को पहुंचाओगे, वो क्या परिवर्तन है जो आप बीजेपी में रहकर आप पहुंचाना चाहते हो? और एक इसी के अंदर एक सवाल और है कि क्या वजह रही, क्योंकि और तमाम पार्टियाँ हैं, बीजेपी ज्वाइन करने की क्या वजह रही? ये दो सवाल हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका जो सवाल कि बीजेपी कैसे ज्वाइन किया, तो मुझे क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बीजेपी ने प्रदान की है, सो ऑब्वियसली आई टुक इट। और यही विचार के साथ कि जहाँ पे आज की तारीख में अपना देश पहुँच पाया, एक पोजीशन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, एक रिस्पेक्ट जो इंटरनेशनली देश को मिल पाया है वो अभी हो पाया है, और उसे कायम रखना, उसे बना के रखना मेरे ख्याल से सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस विचार के साथ, और क्योंकि आपने मेरे दादाजी ब्रिगेडियर रह चुके हैं, उन्हें सेवर ऑफ पंजाब कहते थे, तो कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हैं कि वो सेवा भावना अपने देश के प्रति मेरे में खून में ही कहीं बसी हुई है। तो मैं ये सब प्लेटफॉर्म्स जो मुझे उपलब्ध हो पाए हैं, चाहे वो सरपंची का प्लेटफॉर्म था या अभी जो मुझे मिल पाया है, ये मैं यही प्लेटफॉर्म देख रही हूँ जिसके द्वारा मुझे लगता है कि मैं मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए एक सेवा कर पाऊँ, और उसी उद्देश्य से मैं जुड़ी हूँ। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मेरा अच्छा समय मैंने बताया है और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं जो सीखी हैं, और क्योंकि मुझे शहरी क्षेत्र से शहरी विकास में क्या क्या ज़रूरतें हैं और ग्रामीण विकास में क्या ज़रूरत है, कहाँ हम पीछे हैं, कहाँ वो गैप्स हैं, वो सब मैं अच्छे से समझती हूँ। और यही आशा करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं वो मंच पे लेके आ सकूँगी और हमारी जो लीडरशिप है वो उस पे अमल करेगी और उसमें जो परिवर्तन लेके आना है पॉलिसी लेवल, सिर्फ स्टेट के लिए नहीं बट देश के लिए भी आशा करती हूँ कि वो लेके आए। क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं किसी देश की, तो उसमें ज़रूरी है कि वो एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो जहाँ शहरी एवं ग्रामीण विकास साथ में चले। साथ में एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। एक बहुत बेसिक चीज़ अगर हम ले लें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, घरों की डिज़ाइन की बात करते हैं, उसमें जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, इंडिजिनियस आर्किटेक्चर है, वो कहीं ना कहीं उस पर काम नहीं किया जा रहा है। तो ये एक सिंपल चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, और एक अमैलगमेशन जहाँ पे आप मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल को साथ में लेके अगर आप फिर उसका उपयोग लें, तो एक बहुत ही बढ़िया आउटपुट आ सकता है। खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें जहाँ पे हमारे एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड चैलेंजेस क्या हैं, उसकी वॉइस मुझे हमेशा से बनना था, और मैं यही आशा करती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो कर पाऊँगी और वो ओवरऑल होलिस्टिक चेंजेस अपने देश के लिए कहीं ना कहीं लीडरशिप के सामने रख पाऊंगी जिससे वो चेंजेस लेके आ सकें। तो ये थे हमारे साथ छवि राजावत जी, एमबीए वाली सरपंच, घुड़सवारी सिखाने वाली लेडी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आज जो बातें बताई हैं, कहीं ना कहीं जो नवाचार इन्होंने अपने गाँव में करे हैं, अपने सूडा गाँव को हम कह सकते हैं एक मॉडल गाँव इन्होंने बना दिया है, उसी परिवर्तन को अब ना सिर्फ ये राजस्थान में बल्कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मिलकर ना सिर्फ राजस्थान बल्कि प्रदेश के हर एक गांव को एक मॉडर्न गांव ये बनाना चाहती हैं। ग्रामीण और हम कह सकते हैं शहरी टेक्निक का जो मिश्रण है वो करके एक गांव कैसे आदर्श गाँव बने, ये इन्होंने अपने सोडा गाँव में करके दिखाया। यही सब कुछ भारत के तमाम उन गाँव में ये करना चाहते हैं ताकि गाँव
तक, हर एक व्यक्ति तक वो सारी मदद पहुंचे जो उन तक पहुंचनी चाहिए, और गांव का भी हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा उस चीज़ को पा सके जिसका उसने कभी ना कभी सपना देखा हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। अलवर शहर सदर थाना पुलिस ने जुआरियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गांव दादरा बिहार में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,27,000 की राशि जब्त की है। इसमें 6 आरोपी अलवर के हैं और 6 नौगांव के रहने वाले हैं। कल 10 तारीख को मुखबिर की सूचना पर गांव दादर के हार से 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2,27,000 रुपये जुआ राशि जब्त की गई है, जिसमें प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। जुए खेलते हुए कुल 12 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें संजय, भारत, श्रीराम, कमल, वीरेंद्र और गबरुद्दीन, स्वर्ण सिंह, सुरेंद्र, सुबेदार, सुरेश वगैरह, जिनको गिरफ्तार किया गया था। जो अलवर विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अवैध रूप से पटाखे के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत सदर धार पुलिस ने शालीमार के पास अवैध रूप से पटाखे बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना के प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि शालीमार के पास एक युवक अवैध रूप से पटाखे बेच रहा है। इस सूचना पर मौके पर युवक पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा और थाने पर लेकर आई। आरोपी का नाम सागर सैनी बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने पटाखों की कीमत 1,20,000 रुपये बताई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल प्रतिबंधित पटाखों को ले जाते हुए सागर सैनी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से विभिन्न किस्म के पटाखे, प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपये है। अलवर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में एसएसटी टीम का गठन किया गया, जिसमें लगातार हाईवे पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। नाकों पर पुलिस और टीम द्वारा निगरानी, मादक पदार्थ और अवैध शराब तस्करी को लेकर बड़ी और कड़ी नजर रखी जा रही है। सर, स्थैतिक निगरानी दल के अंतर्गत ये चिकानी की चेक पोस्ट है, यहाँ पर गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं रैंडमली, जिनको की शक होता है। उस रजिस्टर में मेरे ख्याल से लिखा है तो लगभग ये 2 बजे से लेकर और रात्रि अपने 10 बजे तक की शिफ्ट है, तो अब तक 20 गाड़ियों के आसपास चेक हो चुकी है और सघन निरीक्षण किया जाता है गाड़ियों का रैंडमली, और उन पर कोई भी मादक द्रव्य या कि धनराशि या कोई इस तरीके का उपहार वगैरह जो कि इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, उसकी चेकिंग की जा रही है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा ने बस्सी कस्बे में जनसंपर्क किया। मीणा ने कस्बे के घर घर में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने चंद्रमोहन मीणा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। चंद्रमोहन मीणा ने कहा कि मैं एक सामान्य परिवार में पला बड़ा हूँ और जमीनी कार्यकर्ता हूँ। इस दौरान उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट देने के लिए अपील की।
जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के गांव सगीला में एक युवती की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना मिलने पर युवती के मायके पक्ष के लोगों ने उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि ससुराल वालों ने युवती को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक के चाचा अशोक कुमार का कहना है कि सपना के पति द्वारा पहले भी कई बार मारपीट की गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। ये लड़की का चाचा हूँ मैं। ये लड़की को गला दबा के मारा गया है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि रस्सी से फांसी लगाई है या लड़के ने गला दबा के मारा है। गले पर निशान है, पूरी तरह कंफर्म हो रहा है कि लड़की की हत्या करी गई है। ये थाना इगलास है, गांव वह इनका संगीला गांव पड़ता है इगलास थाने में। घटना कल सुबह 7:30 बजे की है। इन्होंने घर पे ही लड़की की डेथ हो गई थी और उसकी बॉडी को अस्पताल ले जाया गया है कि दिखाने तौर पे कि हम अस्पताल लाए हैं। वहाँ पर डॉक्टरों ने इसे मृत बताया तो तुरंत ये गांव ले। सोनभद्र के रॉबर्ट संघर्ष कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस की संयुक्त टीम ने एक DCM ट्रक से कुल 151 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है। दरअसल यह गांजा का खेप उड़ीसा से हरियाणा के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर के द्वारा मिली सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान DCM ट्रक से दो अंतर प्रांतीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि यह गांजे की खेप उड़ीसा से हरियाणा के लिए जा रही थी, जिसमें कुल 8 बोलियों में 151 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत कम से कम 23 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।